मॉर्निंग स्टूडेंट, इट इज वीडियो नंबर 6 ऑफ चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इन क्लास 9 एंड टुडे वी डिस्कस इन्फेक्शियस डिजीजेस। यस, हमने प्रीवियस वीडियोस में डेफिनेशन को देखा था कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं वो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफर होती है, मींस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बड़ी जल्दी ट्रांसफर होती है, इसलिए हमें प्रॉपर हाइजीन की, प्रॉपर सैनिटाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होती है, और जो इसके रीजन होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर रीजन होते थे। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब बॉडी से, हमारी बॉडी से बाहर का कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई प्रोटोजोन्स, कोई फंगाई जो है हमारी बॉडी में एंटर करती है और वो हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज कॉज करती है, उन्हीं सब डिजीज़ को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। अगर आपने नहीं पहले की वीडियो देखी है तो पहले जाकर प्रीवियस वीडियोस को चेक करो। तो आज हम कुछ डिजीज के नाम को देखेंगे, उनके बारे में कुछ जनरल कॉमन थिंग्स को चेक करेंगे। सो अब एक्सटर्नल फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल फैक्टर में बहुत सारे पैथोजेंस थे, हमारे पास बैक्टीरिया थे, वायरस थे, तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ हम डिजीज देखते हैं जो वायरस की वजह से होती हैं। जी हाँ, कोई वायरस होगा एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में, मीन सोयल में, एयर में, मतलब बॉडी से बाहर, और वो बॉडी के अंदर जाएगा और डिजीज कॉज करेगा। उनमें से कुछ डिजीज एक्यूट भी हो सकती है, कुछ डिजीज क्रोनिक भी हो सकती है, मतलब कुछ डिजीज फेटल भी हो सकती है और अल्टीमेटली डेथ कॉज कर सकती है। तो जैसे इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इन्फ्लुएंजा एंड कॉमन कोल्ड। नॉर्मल खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा अगर ज्यादा थोड़े लेवल पे हो जाएगा हम उसको इन्फ्लुएंजा बोल देते हैं। इन दोनों के सिम्टम्स आप सबने देखे ही होंगे, जैसे रनिंग नोज, तो हम यहाँ चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के कॉमन ही सिम्टम्स होते हैं, जैसे रनिंग नोज हो गया, ठीक है, नोज, ठीक है, और नोज कंजेशन होता है, नोज कंजेशन मतलब नाक रुक जाती है ना, नाक का रुक जाना, नाक का लगातार बहना, कफ भी हो जाती है इसमें, खांसी भी हो जाती है, ठीक है, और कभी कभी इसमें माइल्ड फीवर भी हो जाता है, हल्का सा बुखार हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 होता है, तो मतलब अगर 99 के अराउंड यहाँ पर हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहता है, मतलब माइल्ड फीवर, हल्का फुल्का बुखार भी इसमें होता है। तो ये सिम्टम्स है किसके, इन्फ्लुएंजा के और कॉमन कोल्ड के। क्या क्या बताया मैंने, रनिंग नॉइज होती है, ठीक है, और नोज कंजेशन होता है, हम चाहे तो इसको नजल कंजेशन लिख सकते हैं, एक्चुअली में नजल कंजेशन, ठीक है, और मैंने बताया आपको कफ हो सकता है, माइल्ड फीवर हो सकता है, रनिंग नोज हो सकती है, ये क्या है, सिम्टम्स। और ये नॉर्मल ट्रीटमेंट के बाद, डॉक्टर के पास जाने के बाद ठीक भी हो जाता है, इतना ये फेटल नहीं होते हैं, इतने ये क्रोनिक नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, उसके अंदर भी ये हो जाता है। जनरली हम बाहर से खेल कर आते हैं तो स्वेटनिंग होती है, पसीना आया होता है, और उस पसीने में हम घर आकर फ्रिज से ठंडा पानी पी लेते हैं, तब भी ये नॉर्मली हो जाता है, तो ये बड़े कॉमन है, ठीक है। ये किसकी वजह से होते हैं, वायरसेस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मीजल्स। मीजल्स आप सबने देखा होगा, जिसको हम खसरा बोलते हैं हिंदी के अंदर, मीजल्स को। इसमें क्या होता है, जिस पर्सन को मीजल्स हो जाते हैं उसकी बॉडी के ऊपर रेड कलर के जो है निशान हो जाते हैं, ठीक है, तो मतलब इसको बोल सकते हैं हम कि जो बॉडी पे होते हैं रैशेज हो जाते हैं, ठीक है, स्किन रैशेज हो जाती है इसके अंदर, इसके केस में, और वही सब सिम्टम्स तो है ही है, वीकनेस फील होती है, थोड़ा बहुत हल्का बुखार भी हो जाता है, ठीक है, हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, ठीक है, हमारे जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर दर्द होता है, जोड़ों के अंदर दर्द होता है, ठीक है, भूख अच्छे से नहीं लगती है, भूख कम लगती है, ठीक है, किसके अंदर, मीजल्स के अंदर। मीजल्स क्या होता है, खसरा। इसमें क्या होता है, बॉडी, पर्सन की बॉडी के ऊपर रेड कलर के जो है निशान, डॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम स्किन रैशेज बोल सकते हैं, ठीक है, इचिंग हो सकती है उनके अंदर, खारिश, खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है, भूख कम लगती है, हल्का फुल्का बुखार भी हो जाता है, ठीक है, तो ये किसके हैं, मीजल्स के हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंगू फीवर की। तो जो डेंगू फीवर होता है ये मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, और जो डेंगू का जो मच्छर होता है वो सिर्फ गंदे पानी में ही नहीं, साफ पानी में पाया जाता है, इसलिए बोला जाता है कि हमें अपने घर के
अंदर और घर के आसपास बाहर सफाई रखनी चाहिए, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। जैसे कूलर वगैरह हम समर में यूज करते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, कूलर के पानी को 10-10, 15-15 दिन बाद चेंज करते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें मॉस्किटोज पैदा हो जाएंगे, डेंगू का मच्छर होगा, और अगर वो काटेगा तो आपको डेंगू फीवर होगा। इसमें क्या होता है, जब डेंगू आपको होता है तो आपको अपनी बॉडी में वीकनेस फील होगा, आपके जो ज्वाइंट्स होंगे उनमें दर्द होगा, आप अपने आप से चल नहीं पाओगे, आपको फीवर होगा लगातार, बहुत ज्यादा हाई लेवल का फीवर होगा आपको, ठीक है। ये डेंगू के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलियोमेलाइटिस की, पोलियोमेलाइटिस और एड्स। पोलियो का नाम तो आपने सुना ही होगा या आपने टीवी पर एड भी देखी होगी, दो बूंद जिंदगी की। आजकल तो नहीं है क्योंकि आजकल बहुत केस हो गया, लेकिन पास्ट में इंडिया के अंदर पोलियोमेलाइटिस के बहुत ज्यादा केसेस होते थे, बहुत ज्यादा केसेस। तब गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट में, और कुछ फ्री कैंपेन चलाए, वैक्सीनेशन की, ठीक है, इम्यूनाइजेशन किया, ठीक है, बिल्कुल हाई लेवल पर वो चला, और तब जाकर जो है वो पूरी तरह से हम इंडिया अभी भी फ्री तो नहीं है पोलियो से, लेकिन हाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है, अब बहुत ही रेयर केस मिलता है इंडिया के अंदर, ठीक है। 2018 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 33 केसेस आए थे पोलियोमेलाइटिस के, ठीक है। पोलियोमेलाइटिस में क्या होता है कि पर्सन की बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है वो काफी वीक हो जाता है, जैसे कोई लेग्स, एक लेग वीक हो जाएगी, दोनों लेग्स वीक हो जाती है, या वन आर्म वीक हो जाती है टोटली, और अल्टीमेटली ये काफी फैटल है और डेथ कोज करता है, ठीक है। तो ये होता है पोलियोमेलाइटिस, जिसकी वैक्सीन है, पोलियोमेलाइटिस की जो वैक्सीन है वो डॉक्टर जॉन सॉल्ट ने बनाया था, और 1955 में फर्स्ट टाइम यूज की गई थी। ये अमेरिका के बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, अमेरिकन डॉक्टर थे जिन्होंने बनाई थी, डॉक्टर जॉन सॉल्ट ने पोलियोमेलाइटिस की वैक्सीन को बनाया था। वैक्सीन क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, हम अपकमिंग वीडियोस में इनको पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि वैक्सीन एक हिसाब का बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, और वो जब कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको किल करने के काम आता है, उसके अगेंस्ट फाइट करता है, ठीक है। तो पोलियोमेलाइटिस की वैक्सीन हमारे पास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्स की, तो एड्स को भी अपकमिंग वीडियोस में कंप्लीट डिटेल में पढ़ा जाएगा, बट फिलहाल के लिए समझ लेते हैं। वैसे ये एक डिजीज नहीं है, ये क्या है एक्चुअली में, जिस पर्सन को एड्स हो जाता है उसकी इम्यूनाइजेशन पावर, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, और इम्यून सिस्टम मैंने आपको बताया भी था ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। एक हिसाब से हमारी बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं हमारी बॉडी के सोल्जर होते हैं, मतलब जब कोई फॉरेन पार्टिकल, बाहर से कोई पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो व्हाइट ब्लड सेल जो है वो उसको किल करने का काम करते हैं और बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। बट अगर इम्यून सिस्टम हमारा वीक होगा तो हम बार बार बीमार होंगे, अगर वायरस बॉडी के अंदर एंटर होगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा तो हम जल्दी बीमार होंगे। तो बेसिकली जिस पर्सन को एड्स होता है वो उसके जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफी वीक हो जाता है, और धीरे धीरे वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और पर्सन रेगुलर इंटरवल पे बीमार रहेगा, कभी उसे कोल्ड हो जाएगा, कभी उसे कफ हो जाएगा, कभी उसे फीवर हो जाएगा, मतलब रेगुलरली वो बीमार रहेगा, और ऐसे करते करते लास्ट में डेथ कोज का रीजन ये बनता है, डेथ का रीजन ये बनेगा। तो एड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया, एड्स के जो टेस्ट होते हैं वो यूरिन की हेल्प से भी कर सकते हैं, ब्लड की हेल्प से भी कर सकते हैं, और जो माउथ के अंदर से भी हम जो माउथ के अंदर जो वॉटरी सब्सटेंस होता है उसकी हेल्प से भी हम एचआईवी एड्स का टेस्ट कर सकते हैं। तीन टाइप के टेस्ट होते हैं एड्स को चेक करने के लिए, ठीक है, तो आप कोई भी इसमें से यूज कर सकते हो, ठीक है। एड्स का जो रीजन बनता है जिस वायरस की वजह से होता है वो रिट्रो वायरस होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो मैं अभी लिख रहा हूं, ठीक है। आप चाहो तो इनको याद रखिए, नहीं याद रखते तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, बट आप ये जरूर याद रखना कि वायरस से ये बीमारियां होती है, कौन कौन सी, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, मीजल्स, डेंगू फीवर, पोलियोमेलाइटिस, एड्स, ठीक है। एड्स किस वायरस की वजह से होता है, रिट्रो वायरस की वजह से होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो डिजीजेस बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया भी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, सोइल में, एयर में, वाटर में, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो डिजीज कोज करते हैं। जैसे उसमें से एक डिजीज है कोलेरा, ठीक है, तो कोलेरा को हम चाहें तो इसको डबल डी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डबल डी, कोलेरा को हम क्या लिख सकते हैं, डबल डी। डबल डी क्यों लिखा,
डी से डायरिया और डी से डिहाइड्रेशन। एक्चुअली में क्या होता है, जिस पर्सन को कोलेरा होगा, कोलेरा होता है हैजा, जिसको होगा उसको डायरिया प्लस डिहाइड्रेशन होगा। डायरिया मतलब काफी ज्यादा वॉटरी सब्सटेंस, ठीक है, काफी ज्यादा वॉटरी स्टूल्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी से, जिसकी वजह से बॉडी का पानी जो है खत्म हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और अल्टीमेटली डेथ कोज भी कर सकता है, ये फैटल भी हो सकता है। बट आज के टाइम पे इसका सॉल्यूशन हमारे पास है, हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, है ना। और तो ये कोलेरा को आप याद रखोगे डी प्लस डी से। नेक्स्ट आएगा टाइफाइड फीवर। टाइफाइड आपने देखा होगा, इसको बिगड़ा हुआ बुखार भी, बुखार भी बोल दिया जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में टाइफाइड बुखार को। टाइफाइड क्या होता है, एक टाइप का ये वायरस है और इसमें क्या होता है साइक्लिक फीवर आता है हमें। क्या आता है? साइक्लिक फीवर। साइक्लिक फीवर का मतलब हर एक फिक्स टाइम के बाद फीवर हो जाएगा, जैसे 24 घंटे के बाद फिर बुखार होगा, चाहे आप दवाई ले लो ठीक रहेगा, फिर 24 आवर्स के बाद बुखार आ जाएगा। कई पर्सन को, कई पेशेंट को ये 48 आवर्स के बाद आता है, मतलब रेगुलर इंटरवल के बाद, एक दिन के बाद, दो दिन के बाद, 16 आवर्स के बाद, 20 आवर्स के बाद बुखार आएगा। साइक्लिक फीवर आता है, इसमें वीकनेस बॉडी के अंदर आती है, हेडेक रहता है, ज्वाइंट्स के अंदर पेन होता है, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स किसके हैं? टाइफाइड बुखार के, ठीक है। टाइफाइड बुखार के लिए इसके लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं उसका नाम होता है विडाल टेस्ट। क्या नाम होता है? विडाल टेस्ट बोलते हैं हम इसको। विडाल टेस्ट आपका किया जाता है और अगर ये पॉजिटिव आता है विडाल टेस्ट, तो इट मींस पर्सन को टाइफाइड फीवर है। नेक्स्ट आता है टीबी। टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या नाम होती है? ट्यूबरक्यूलोसिस। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा के होते हैं, वही खांसी जुकाम रहेगा, हल्का फुल्का सा बुखार रहेगा, ठीक है। लेकिन तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है जिसको टीबी होता है वो इग्नोर कर देते हैं इसको स्टार्टिंग में, क्योंकि वो समझते हैं कि ये नॉर्मल खांसी जुकाम है और ठीक हो जाएगा। बाद में ये काफी सीरियस हो जाता है, चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, लंग्स को इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालता है लंग्स पर। चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, काफी ज्यादा कफ बनती है, कभी कभी तो खांसते समय पेशेंट के मुंह से ब्लड भी निकल जाता है, तब जाके ये सीरियस होता है। लेकिन आज के टाइम पे इसका इलाज है, ठीक है। पहले था ये बहुत स्टार्ट जब हुआ था, स्टार्टिंग में ये जब आया था तब इसका इलाज नहीं था, लेकिन आज इसका एक बहुत अच्छा इलाज हमारे पास अवेलेबल है। तो ये आज के टाइम पे तो डेथ कोज नहीं करता है, हाँ अगर ये लास्ट स्टेज तक पहुंच जाए तो यस ये फेटल हो सकता है और डेथ कोज कर सकता है, बट इसका इलाज हमारे पास है ट्यूबरक्यूलोसिस। इसको जनरली जो स्टार्टिंग टाइम पे जो है हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड जैसे ही होते हैं, खांसी जुकाम होता है नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट आता है टिटनस और फूड पॉइजनिंग। टिटनस आप सबने देखा होगा, लोहे की किसी मशीन से, किसी पार्ट से जब हमें चोट लग जाती है और हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है वहां पर, तो डॉक्टर बोलता है कि टिटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, यस, है ना। तो जो टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है वो एक्चुअली हमें आयरन की चीजों से लगने वाली चोट से, इन्फेक्शन होने से बचाता है। नेक्स्ट आता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग भी आपने देखा होगा, स्टमक जो है अपसेट रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, स्टमक अपसेट हो जाता है, हमने कोई गलत वाटर कंज्यूम कर लिया है जो कॉन्टेमिनेटेड था, कॉन्टेमिनेटेड फूड हमने गेन किया है, कुछ भी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हमारा स्टमक खराब हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग। मैंने वीडियो नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में फूड पॉइजनिंग का ही एग्जांपल आपको दिया था। तो ये कुछ डिजीज मैंने आपको बताई, ठीक है, ये कुछ डिजीज मैंने आपको बताई जो वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो, फिर हम फंगाई और प्रोटोजोन्स की वजह से होने वाली डिजीज को भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम दो फैक्टर को और डिस्कस करते हैं, दैट इज फंगाई एंड प्रोटोजोन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फंगाई की वजह से होने वाले डिजीज बेसिकली कॉमन स्किन डिजीज ही होते हैं। स्किन पर जो इंफेक्शन होते हैं वो फंगाई की वजह से होते हैं। बहुत सारे स्किन इंफेक्शन इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे एक अगर हम एग्जाम्पल लें, रिंग वॉर्म हो गया, ठीक है। रिंग वॉर्म इसका नाम क्यों होता है, क्योंकि जब ये स्किन इंफेक्शन होता है रिंग वॉर्म, तो उस पर्सन की बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर रिंग की शेप में रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं, पैचेस पाए जाते हैं, रैशेस जिनको हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिंग वॉर्म। बेसिकली फंगाई से स्किन इंफेक्शन ही होती है, स्किन डिजीज ही होते हैं।
और जब स्किन इन्फेक्शन होता है तो आपको पता ही होगा वहां पे स्किन रैशेज होना स्टार्ट कर जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं, ठीक है, डार्कनिंग ऑफ स्किन होना स्टार्ट हो जाता है, डार्कनिंग ऑफ स्किन। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं किसके, स्किन इन्फेक्शन के, जो किसकी वजह से होते हैं, फंगाई की वजह से होते हैं। यहाँ पर और भी लिखे हैं, फंगल आई इन्फेक्शन भी है, ठीक है, और एस्परगिलोसिस भी है यहाँ पर। ये बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन है जो फंगाई की वजह से होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स की वजह से। प्रोटोजोन्स की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर मेंशन है, जैसे मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, ये मादा मच्छर के काटने से होता है। क्या नाम है, फीमेल एनोफिल्स ANOPHELES मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, पर्सन को बुखार के साथ ठंड लगती है, उसे ठंडक महसूस होती है, रात को बुखार इतना ज्यादा होता है कि स्वेटनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, फीवर होता है, इसमें भी साइक्लिक फीवर होता है। याद करो मैंने अभी भी बताया था बैक्टीरिया की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम था टाइफाइड। टाइफाइड में भी मैंने आपको बताया था साइक्लिक फीवर होता है, बट यहां पर भी साइक्लिक फीवर होता है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो टाइफाइड का बुखार होता है वो कभी भी टूटता नहीं है, कभी भी खत्म नहीं होता है, बुखार रहेगा। टाइफाइड ठीक होगा तो बुखार खत्म हो जाएगा, नहीं तो बुखार कॉन्टिन्यूअसली रहेगा, ठीक है, हल्का फुल्का सा टेम्परेचर में चेंज आता रहेगा, कभी बुखार बहुत ज्यादा हो जाएगा, कभी बुखार कम हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिक तो वहां पर भी है, बट यहाँ प्रॉपर साइक्लिक क्यों है कि यहाँ बिल्कुल फिक्स टाइम के बाद फीवर होगा। इसको इग्नोर किया जाता है पर्सन के द्वारा, जिस पर्सन को मलेरिया हो जाता है वो स्टार्टिंग में इसको इग्नोर करता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रेगुलर इंटरवल के बाद फीवर होता है, 24 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली फीवर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में पर्सन सोचता है कि नॉर्मल फीवर है, कोई बात नहीं, ठीक हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर से उसको 24 आवर्स के बाद लगातार 3-4 दिन जब ऐसा चलता है तब उसे पता चलता है कि उसको मलेरिया है। मलेरिया के अंदर सबसे बड़ा सिम्टम्स ये रहता है कि अगर आपको बुखार होने के साथ साथ ठंड भी लग रही है, ठंडक महसूस हो रही है, तो आपको मलेरिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोइबिक डायसेंट्री की। अमोइबिक डायसेंट्री में क्या होता है, ब्लडी स्टूल हो जाता है। ब्लडी स्टूल का मतलब जो खूनी दस्त हमें लगने स्टार्ट हो जाते हैं, एपेटाइट मतलब हमें भूख लगनी बंद हो जाती है, भूख हमारी कम हो जाती है, फीवर भी होता है इसमें हल्का फुल्का, वेट लॉस तो होगा ही, जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आप खाना कम खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा। तो ये सब किसके सिम्टम्स हैं, अमोइबिक डायसेंट्री के। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्मैनिया की, जिसको हम हिंदी के अंदर काला अजर भी बोलते हैं, काला बुखार भी बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फीवर होता है, वेट लॉस होता है, इसमें क्या होता है एक्चुअली पेशेंट के लीवर पर स्वेलिंग हो जाती है, लीवर पर सोजस आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है, ये किसके सिम्टम्स है, लिस्मैनिया के। तो मैंने आज की आपको इस वीडियो में बताया कि एक्सटर्नल फैक्टर, बॉडी के बाहर जो पैथोजेंस है, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगाई है और प्रोटोजोन्स है, जब वो सब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप समझते होंगे, ठीक है, जैसे जो फीटर मैटर होते हैं, ठीक है, फीटल मैटर होता है, अब उस पर क्या होगा, फ्लाइज होंगी, वो फ्लाइज हमारे घर में आएंगी, घर में आकर हमारे खाने पर भी बैठेंगी, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और एंटर करके हमारी बॉडी में एक डिजीज कोर्स करते हैं जिनके पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसमें से क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं कि ऑप्शनल एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द फंगाई, तो आपको उनमें से एक को टिक करना होगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन इनमें से बन सकता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।